अतीक और अशरफ के शव को प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम के बाद अब शव किनको दिया जाएगा, ये बड़ी बात होगी। प्रयागराज के कालविन हॉस्पिटल में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब हॉस्पिटल के बाहर पुलिस और मीडिया का जमवाड़ा हो गया। आप देखेंगे अब लगातार पुलिस फोर्सेस को बुलाया गया है और फोर्सेस बढ़ती जा रही है, ताकि क्योंकि कुछ जगह से कई हंगामे की भी खबरें सामने आ रही है। हालांकि वो सारे मुस्लिम इलाके कहे जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे प्रयागराज का ये सागंज इलाके की सड़क है, जहाँ पूरे सड़क पे सन्नाटा है और पुलिस के आला अधिकारी सामने हैं। आप देखिए जो लोग जैसे सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग सामने आते जा रहे हैं। एक बात और बता दें, हत्या के बाद लोग अब उनकी डेड बॉडी अतीक और अशरफ की पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल भेज दिया गया है, और जो जानने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे अब पहुँचने लगे हैं। लगता है ये भी, क्या आप भी सुनकर आई हैं क्या यहाँ देश? नहीं, हम हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, तो ड्यूटी लगी इसलिए आई हैं। मुझे देखिए जो जानने वाले वो आ रहे हैं, सिर्फ दो महिलाएँ भी आई थी, उन्होंने भी देखा था और वो पूरे मंजर को देखकर बहुत नाराज़गी व्यक्त की थी। आप देखेंगे ये जो इलाका है ये शाहगंज का इलाका है, और इस इलाके में जो हॉस्पिटल का मेन गेट है, यानी मेडिकल के लिए लाया गया था अशरफ को, और उसके बाद उनको वहाँ पर गोली मार के हत्या की गई। आप देखेंगे उन सड़कों पर ढेर सारी पुलिसों का काफिला और मीडिया का जमवाड़ा है। अब हर कोई ये जानना चाहता है आखिरकार जो कातिल थे, जो मीडियाकर्मी बनकर आए थे, वो किस लिए अतीक और अशरफ की हत्या किया है, वो वजह भी जानना चाहते हैं। हालांकि तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो तीन लोग कौन हैं पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन कुछ खबरें ऐसे सामने आ रही है कि वहाँ पर हंगामा की भी तस्वीरें जैसे सामने आ रही है। आप देखेंगे ये प्रयागराज का वही कालविन हॉस्पिटल है जहाँ पर वो पूरे घटनाक्रम हुआ था, और पुलिस का पूरा राउंड अप हो गया है। अब इसमें एक बात ये साफ हो गई है कि प्रयागराज के घटना के बाद अतीक और अशरफ के शव को प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम के बाद अब शव किनको दिया जाएगा, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि अतीक के परिवार में उमर उनका बड़ा लड़का जेल में है, अली नैनी जेल में है, असद का इनकाउंटर हो गया, और दो बेटे उनके जो है बाल सुधार ग्राम में है, और उनकी पत्नी साहिस्ता परवीन फरार है। यानी ये बहुत बड़ी घटना प्रयागराज की है, जो अतीक और अशरफ मारे गए हैं। एक बात ये हो गई है साफ कि प्रयागराज का एक अतीक और अशरफ अध्याय समाप्त हो गया है। आनंदराज, प्रयागराज।